वेलकम टू माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको शेवरॉन स्टिच के बारे में बताने जा रही हूँ। स्टिच मैंने दो कलर में बनाया है। ये पैटर्न मल्टीपल ऑफ 14+2 में चलता है। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड में हमें सारे फंदों को उल्टा ही बनाना है। हमारा पैटर्न राइट साइड यानी सेकंड रो में चलेगा। इसमें पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, दूसरा फंदा हम एक ही फंदे से हम पहले फ्रंट से फिर हम बैक से बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके बाद हम चार फंदे सीधे बना लेंगे। इस तरह से और फिर एक फंदे को अगले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे और इसके अगले वाला फंदा हम बना लेंगे। फिर हमने जो फंदा बिना बुने उतारा था उसे हम वापस स्लिप कर लेंगे इस तरह से लेफ्ट साइड। फिर हम दो फंदों को एक साथ सीधा बना लेंगे। ये इस तरह से और फिर हम चार फंदे सीधे बनाएंगे। ये चौथा फंदा। फिर उसके बाद हम सीधे बनाते हुए पहले आगे से और फिर बैक साइड से हम फंदे को बुन लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हमने अगला भी रिपीट करना है। ये हमारा 14 फंदे का डिजाइन था। अब हम धागा चेंज करेंगे। धागा चेंज करते हुए हमें दूसरे धागे को इस तरह से मोड़ लेना है ताकि गैप ना आए और फिर उसी तरह से हमने अपने पैटर्न को रिपीट करना है। अब हमारे पास लास्ट में ये दो फंदे बचे हैं। इसमें भी लास्ट वाले जो पहला फंदा बचा है उसको हम पहले फ्रंट से फिर बैक से बनाएंगे और ये लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे और ये इस तरह से हमारी पैटर्न वाली रो कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड हमें पूरी उल्टी ही बनानी है और बीच में फंदों को हमने वैसे ही फ्लिप करना है जैसे हमने राइट साइड में किया था। अब हमें अपना धागा बदलना है तो इस तरह से हमने धागे को पलटना है ताकि बीच में से गैप ना आए।
ये रहा हमारा ड्यूअल कलर शेवरॉन स्टिच। ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत लगता है। आप इसे लेडीज कार्डिगन या बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। इस पैटर्न में आपको बॉर्डर की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।